फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन कूलिंग माइट लुक लाइक दिस। दिस इज अ सिलिकॉन चिप जो कि इतने छोटे से साइज में आपके फोन को कूल कर सकती है बाय लिटरली ब्लोइंग एयर ऑन इट जस्ट लाइक अ फैन। पर पूरे 1 मिलीमीटर के साइज पे हवा आ कहां से रही है? हाउ डज इट वर्क? यही चीज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर और एंड में मैं आपको बताऊंगा इस चिप के फाउंडर्स का सबसे क्रेजी आइडिया। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब दो साइंटिस्ट मिलते हैं और दोनों ही एक चीज नोटिस करते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में हर साल नई डिस्प्लेज, हर साल नए सीपीयू आर्किटेक्चर्स, हर साल नए एस्थेटिक्स, कैमरास, सब कुछ नया आता है, लेकिन एक चीज पिछले कई डेकेड से नहीं बदली है, वो है फैंस। जब से कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हुए हैं, इंट्रोड्यूसिंग मैकिंटोश, फैंस हैव प्रीटी मच स्टेड द सेम। उनके फिन्स, मैग्नेट्स, मोटर्स, वही पुराना मैकेनिज्म यूज किया जाता है इनमें कूलिंग के लिए। सो दे वंडर कैन इट बी बेटर, और ये इसी चीज पे रिसर्च करते हैं पूरे 4 साल और 2023 के कंप्यूट एक्स शो पे ये अपना पहला प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसका नाम है एयर जेट मिनी। सुनने में तो ये ऐसे लग रहा है कि ये उड़ जाएगा, लेकिन ये एक SSD जैसी दिखने वाली चीज एक पूरा का पूरा कूलिंग सोल्यूशन है लैपटॉप्स के लिए। एंड इट्स मोर इम्प्रेसिव देन यू थिंक, क्योंकि इतने छोटे से साइज में ये 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवा को पुश कर सकता है और ये सिर्फ 1 वॉट ऑफ एनर्जी को यूज करके 5 वॉट की हीट को डिसिपेट कर सकता है। एंड अगर हम इसे फैन से कंपेयर करें तो ये छोटी सी चिप एक इतने बड़े फैन जितना एयर फ्लो क्रिएट कर सकती है वाइल बींग मोर पावर एफिशिएंट। पता नहीं यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साइबरबिश की फ्लेम्स को भी बुझा सकता है। बट इतने तेज एयर फ्लो की एक प्रॉब्लम होती है, जब आप किसी हीट सिंक के ऊपर काफी तेज एयर फ्लो चलाते हो तो उसके सरफेस के एकदम पास एक लेयर बन जाती है जहाँ पे एयर बिल्कुल भी मूव नहीं करती और वहाँ पे गर्म हवा जमा होने लगती है जिसको कहा जाता है बाउंड्री लेयर। तो ये इससे कैसे डील करता है? वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली सो पावरफुल, ये बाउंड्री लेयर को कम्प्लीटली खत्म कर देता है वहां से जस्ट विद शियर एयर प्रेशर। और इन कंपनी वालों ने एक डेमो भी दिया था एक नॉर्मल लैपटॉप के साथ जिसके नंबर मैं लाइनस टेक टिप्स की वीडियो से ले रहा हूं, बिकॉज सैडली उन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया था, वेरी सैड आई नो। तो इस डेमो के अंदर 2 सैमसंग की थिन एंड लाइट नोटबुक्स थी, एक के अंदर 3 एयरजेट मिनीज लगे हुए थे फॉर कूलिंग और एक नॉर्मल वर्जन था। एंड एज यू कैन सी, शॉकर, जिस वर्जन के अंदर एयरजेट मिनी थे वो काफी बुरे तरीके से दूसरे से जीत गया। एयरजेट मिनी वाला वर्जन अराउंड 33% ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा था। और क्या मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से कोई आवाज नहीं आती, लाइक 0 फैन नॉइज। और इससे भी ज्यादा क्रेजी चीज जो मेरे को इसके बारे में लगी, गेट दिस, इसकी सक्शन पावर इतनी तेज है कि अगर आप लैपटॉप को डस्ट प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ भी कर दो, ये वाटर प्रूफ मैश के अंदर से हवा खींच सकता है। सो जो लैपटॉप इससे एक्टिव कूल किए जाएंगे वो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी हो सकते हैं। दिस लिटरली ब्रोक माई ब्रेन। और हो क्या सकता है भाई, ऑलरेडी है, लाइक ये ZOTEC का एक मिनी PC है जो की फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है और रिक्वायरमेंट ये थी कि इसे डस्ट प्रूफ होना पड़ेगा, इसीलिए इसके अंदर कोई पहले फैंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इसके अंदर ये वाले कूलर्स लगा दिए गए हैं। एज यू कैन टेल ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, सो वी हैव टू नो हाउ इट वर्क्स, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कंपनी वाले इस कूलिंग सॉल्यूशन को कूलिंग चिप क्यों बुलाते हैं। दैट इज बिकॉज इट इज लिटरली बिल्ट लाइक अ चिप, लाइक अ प्रोसेसर बाय यूजिंग MEMS टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। बेसिकली जो भी चीजें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनती हैं, जैसे आपके फोन का प्रोसेसर, उसे MEMS बुलाया जाता है बिकॉज इट इज माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल व्हाटएवर। और ये मेनली 3 पार्ट से बना है, ये ऊपर वाला फिल्टर, ये बीच वाला कूलिंग इंजन और ये नीचे वाला हीट सिंक। और अब आते हैं जूसी पार्ट पे, इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर काफी सारी सिलिकॉन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके ऊपर पिएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की लेयर्स होती हैं। अभी ये सुनने को काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन पिएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आने से एक्सपैंड या फिर श्रिंक होता है, और इसकी लेयर सिलिकॉन पे लगा देने से हम बेसिकली सिलिकॉन को बेंड कर सकते हैं, काफी तेज बेंड कर सकते हैं, टू द पॉइंट वेयर इट कैन वाइब्रेट। और इस वाइब्रेशन से ये सक्शन पैदा करता है एंड इट इज एबल टू पुश दिस मच एयर। और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी इन पिएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की बात की थी, दे आर द सेम टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द OnePlus कॉन्सेप्ट जिसके अंदर पानी घूमता है। सो बेसिकली दे वाइब्रेट टू मेक दिस सक्शन, और हवा इनके ऊपर से आती है और नीचे हीट सिंक पे हीट करती है काफी तेजी से और एग्जॉस्ट से काफी तेजी से निकल जाती है। और इसी पूरे प्रोसेस
प्रोसेस की मदद से ये काफी सारी हीट डिसिपेट कर पाता है। पर ये एयरजेट मिनी फोन्स के लिए काफी बड़ा है और मेनली इसका यूज केस भी लैपटॉप्स या फिर पीसीज के लिए है। तो ये स्मार्टफोन की कूलिंग चिप कहां से आई? वेल, इसका जवाब है ये नॉट दिस ईयरफोन, इसके अंदर जो टेक है। एक्चुअली जब ये एयरजेट मिनी अपने आइडिया के लिए अवार्ड्स जीत रहा था, इसी टाइम के आसपास एक और कंपनी थी जिसका नाम है एक्स-मेम्स, नॉट एक्स-मेन, एक्स-मेम्स, नाइस नेम। तो ये कंपनी काफी टाइम से ईयरफोन्स बना रही थी इसी सेम टेक्नोलॉजी से। जैसे इसके अंदर लैपटॉप कूल करने के लिए सिलिकॉन को वाइब्रेट किया जा रहा है, सिमिलरली इन ईयरफोन्स के अंदर ऐसे ड्राइवर लगे हुए थे जो कि सिलिकॉन को वाइब्रेट करके साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे, विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू मूविंग एयर। और जैसे इनके वाइस प्रेसिडेंट माइक हाउस होल्डर ने कहा था एक इंटरव्यू में, एंड वी न्यू दैट इफ वी कुड गेट इट टू वर्क फॉर साउंड, couple little tweaks here and there, and we could get it retuned to basically generate airflow for cooling. He's basically just saying कि उनको थोड़े बहुत tweak करने पड़े अपने speaker technology में उसे एक cooling solution में बदलने के लिए, जो smartphone से लेके smart glasses, VR headsets सब में use किया जा सकता है, and it's pretty much a smaller version of this, and obviously इसके अंदर उससे कम airflow है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उससे बेकार है। अगर efficiency देखी जाए तो ये उससे 15x ज़्यादा efficient है, और इसके अंदर जो silicon membranes है वो 1 second में 1000 से भी ज़्यादा बार वाइब्रेट करती हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एयर फॉर इट्स साइज। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, दिस इज द चिप राइट हियर, दिस इज द एयर फ्लो कमिंग आउट, और ये पंखा एयर फ्लो की वजह से घूम रहा है, और ये खुद कहते हैं कि ये इसे स्मार्टफोन्स में यूज करना चाहते हैं। वी थॉट दैट आवर साइज एंड आवर थिननेस वाज परफेक्टली सूटेड फॉर यू नो प्रीटी मच द लार्जेस्ट मार्केट आउट देयर व्हिच इज स्मार्टफोन्स। बट जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, इनका सबसे वाइल्ड आइडिया मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो क्या है वो आइडिया? ये एक्चुअली काम करना चाहते हैं उन कंपनीज के साथ जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर बनाती हैं, जैसे एप्पल, क्वालकॉम, और उनके साथ कोलैबोरेट करके ये अपने 1 millimeter के कूलर को प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। मतलब CPU, NPU, GPU, कूलर। आई फील लाइक कंपनीज लाइक एप्पल विल मेक सच अ बीस्ट सीपीयू विद दिस टेक, आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, बट ऑब्वियसली दे हैव सम शॉर्टकमिंग्स राइट नाउ। जैसे जो ये फोन वाला कूलिंग सिस्टम है, इसके अंदर वो लैपटॉप वाले कूलिंग सिस्टम जितनी पावर नहीं है, तो ये वाटरप्रूफ मैश के थ्रू हवा को नहीं खींच सकता, सो आई थिंक इट विल नीड सम वेंट्स, जो कि किसी मेन स्ट्रीम फोन में तो नहीं चलेंगे, गेमिंग फोन में शायद चल जाएं। और अभी के लिए इनका प्राइस बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर लिटरली मेड लाइक प्रोसेसर्स। बट एक अच्छी बात भी है, जितना इनका मास प्रोडक्शन होगा उसकी वजह से इनका प्राइस कम होता जाएगा, कंपेयर टू समथिंग लाइक फैंस जिनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका प्राइस कभी कम ही नहीं होता, जैसे कॉपर, मैग्नेट्स एक्सेट्रा। एंड या ये आपको 2025 तक कई अलग अलग डिवाइसेस में दिखना शुरू हो जाएगा, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड मेरी लास्ट स्मार्टफोन कूलिंग वाली वीडियो पे काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो फैन वाले कूलर होते हैं स्मार्टफोन्स के लिए वो काफी अच्छे होते हैं, तो जैसे ही मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आएगी तो मैं एक फैन वाला कूलर बाय करके उसे टेस्ट करूंगा। यू गाइस टेल मी विच वन डू यू वांट, एंड बाय।